वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है नमस्ते फ्रॉम जापान। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने के पहले मैं आप सब लोगों को खूब सारा थैंक यू देना चाहती हूँ कि आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग को इतना प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आगे भी मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक करिए, ऐसे ही पसंद करते रहिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करती हूँ एक सुपर यमी इजी केक की रेसिपी। और इसमें मैंने बहुत ही सिंपल से इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं जो आपको इजीली घर पे मिल जाएंगे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये केक की रेसिपी इतनी ईजी है कि इसे बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं अपने वेकेशन टाइम पे या वीकेंड्स पे। तो चलिए ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आप पहले देख लें। तो यहाँ मैंने लिया है एक ग्लास दूध, 1 कप आटा, 2/3 कप शुगर, 1/2 कप ऑयल। शुगर आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा चाहिए आपका केक। 1/4 कप लिया है मैंने मिल्क पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो ठीक है, मेरे पास है इसलिए मैंने ऐड किया है, आपके पास नहीं है तो आप हटा सकते हैं। फिर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। और ये मैंने फ्लेवर के लिए स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है, आपके पास जो एसेंस अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें केक के लिए लगेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो उसके बिना भी हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा, मेरे पास है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बर्तन लीजिए, उसमें दूध ऐड करिए और इसे आपको उतना बॉईल करना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। मुझे मिल्क बॉईल करते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब हमारा मिल्क की क्वांटिटी भी कम हो गई है। अब आप इसे फ्लेम से हटा दें और थोड़ा इसे ठंडा होने दें। अब इस मिल्क को आपको कर्डल करना है, मतलब फाड़ना है, तो उसके लिए आप 1 टेबलस्पून विनेगर का यूज़ कर सकते हैं या 1 टेबलस्पून लेमन जूस ले सकते हैं आप, या आपके पास अगर फ्रेश कर्ड है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रेनर की हेल्प से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्ट्रेन कर लें ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसमें। इसमें आप चुटकी भर नमक ज़रूर डालें जो हर मीठे में डालना चाहिए, उससे एक टेस्ट बैलेंस होता है। मिल्क कर्डल होना स्टार्ट हो गया है और ये परफेक्ट टाइम है हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने का। तो इसमें अब आप डाल दीजिए शुगर, ऑयल, और ये सब डालने के बाद अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा वेट इंग्रेडिएंट और ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी है, अब आप इसे धीरे धीरे डाल के मिक्स कर लीजिए। और इसे आप कट एंड फोल्ड के मेथड में मिक्स करिएगा जैसे मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, और इसे ओवर मिक्स मत करिएगा, बिल्कुल इतना ही मिक्स करिएगा जिसमें इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाए और ये एक स्मूथ बैटर बन जाए। इसमें 1 टेबलस्पून एसेंस ऐड कर दीजिए। इसे मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं कि मेरे बैटर में हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, मतलब ये बेक होने के लिए अब रेडी है। और अब आप इसे अपना ग्रीस करा हुआ पैन में डाल दीजिए। का बैटर हमारा रेडी हो गया है, अब आप इसे हल्के हाथों से टैप कर लीजिए ताकि अंदर की सारी एयर बाहर निकल जाए। और अब आप इसे गार्निश करना चाहते हैं तो आप ऊपर से कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे चॉको चिप्स हो गया, मेरे पास ये चेरी रखी थी तो मैंने वो ऐड करी है। आप इसमें चॉको चिप्स या फिर ड्राई फ्रूट जो आपको ऐड करना जो पसंद हो आपको वो आप ऐड कर सकते हैं। केक के बैटर को मैंने ओवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे 40 मिनट्स के लिए रखा है। अगर आप इसे गैस पे बेक करना चाहते हैं तो आपको इसे 40 मिनट्स के लिए रखना पड़ेगा लो फ्लेम पे।
आप गैस में बनाएं या ओवन में बनाएं, इसे प्लीज़ आप बीच में ओपन करके ना देखें। और अगर आप गैस में बना रहे हैं तो आप इसे आफ्टर 35 मिनट्स चेक कर सकते हैं। केक रेडी हो चुका है और आप इसे देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा कलर आया है, और मेरी बेटी ने इसमें आलमंड्स भी ऊपर से डाल दिए हैं। तो केक काफ़ी सॉफ्ट बना है और ये अभी गर्म है इसलिए मैं इसे नहीं निकाल रही हूँ इसके पैन से। इसे आप थोड़ा ठंडा होने दें, और अगर आप गर्म गर्म निकालेंगे तो आपका केक टूट भी सकता है, इसलिए प्लीज़ इसे थोड़ा टाइम दें ठंडा होने के लिए और फिर आप इसे निकालें। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और साथ में आपको ऑयल की क्वांटिटी भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठंडा होने पे मैंने इसे टर्न कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये इसमें कितना अच्छा कलर आया है बैक साइड पे भी, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है ये केक। मैं इसे अब आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना अंदर से भी सॉफ्ट हुआ है और अच्छे से बेक हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इजीली कट जा रहा है। तो ये थी गेहूं के आटे के केक की रेसिपी, सुपर हेल्दी एंड इजी रेसिपी, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये रेसिपी आप भी घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है नमस्ते फ्रॉम जापान। तो आज मेरी बड़ी बेटी का पियानो कॉन्सर्ट है और आई थिंक यहाँ से हमें 30 मिनट्स लगने चाहिए हॉल तक पहुँचने में। तो चलिए आज मैं आपको कॉन्सर्ट लेके चलती हूँ परी के पियानो क्लास में जो टीचर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आज। आज का ब्लॉग मैं यही फिनिश करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिए, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय।